आरुषि के आंसू देख पिघला शिवा। आरुषि शिवा की सेल्फी देख जली रावी। स्टार प्लस की सीरियल पांड्या स्टोर में आरुषि ने धरा का चैलेंज का एक्सेप्ट किया। उसने तो शिवा के सामने झूठे आंसू बहाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, अपनी बातों से शिवा को धरा के खिलाफ भड़काने भी लगी, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। पता नहीं वो शक्ति के खिलाफ क्यों है, स्पेशली तुम्हारी बाबा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे बाबा मुझे हर बात शेयर करती है। जब लास्ट टाइम वो मुझे मेरे घर धमकाने आई थी, बात तुमसे शेयर नहीं की। मुझे तो लगता है कि वो तुमसे कोई बात छुपा रही है, चोर है उनके। चुप! इसके आगे एक शब्द, मेरी भाभी के बारे में बात कर रही है तू? तेरे को पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरे को हक दिया मैंने उनके बारे में बकवास करने का। कुछ मत बोलना इसके आगे। किस इंसान की बात? मैं कोई तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रही, गलत समझ रही हूँ मैं। भाई शिवा का ये रवैया देखकर आरुषि समझ गई है कि शिवा धरा के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता। बस फिर क्या, उसने मगरमच्छ वाले आंसू बहाने शुरू कर दिए और धरा को चिढ़ाने के लिए आजमाया सेल्फी वाला पैतरा। और तो और, आरुषि को ऐसा करता देख आरुषि की मम्मी भी हो रही है नाराज। तो जब शिवा आता है तो मैं पूरा ही इमोशनल ड्रामा करती हूँ कि शिवा चलो बस अब मुझसे शादी कर लो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। ये अभी पूरा ही इमोशनल ड्रामा कर रही है शिवा के सामने की जता रही कि वो सच में प्यार में पड़ गई है और उसको बस जल्दी है शादी करने की, उसके बिना नहीं रह सकती। तो ये सारा ड्रामा कर रही है, शिवा को समझ नहीं आ रहा। शिवा को लगता है कि सही है और सामने की तरफ शिवा की फैमिली इस शादी के खिलाफ है, तो उसको और गुस्सा आता है कि सबकी तो शादी हो चुकी है, तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो। तो उसकी वो भी जिद है कि अरे सही तो है लड़की, चलो कर लेता हूँ शादी। तो ये चला है। आरुषि ने तो सेल्फी खींचकर सीधा धरा को भेज दी, लेकिन धरा के घर आते ही रावी ने वो सेल्फी धरा के मोबाइल में देख ली। बस फिर क्या, रावी ने धरा के सामने लगा दी सवालों की छड़ी। उसे बाबू के साथ थी, आरुषि आपको क्यों बोल रही थी? देखो देखो, गाल से गाल लगा के सेल्फी ले जा रही, देखो। पहले आप ये बताओ कि आप क्या छुपा रही हो और आप इन दोनों के साथ क्यों थी? बहुत हो गया, आज तो उसका सर में तरबूज की तरह तो नहीं। कभी बोलती है कि शिवा से शादी करने में से कोई इंटरेस्ट नहीं और कभी इसे लाल तो दुल्हन की जोड़े में आ जाती है। उसने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि धरा के बारे में रावी को अब वो सब कुछ सच बताने वाली है। वो चाहती है कि रावी जाके पूरी फैमिली को बताए और धरा को घर से निकाल दे, या तो कुछ तो बड़ा ड्रामा हो, तो इसी बात का वेट कर रही है वो। आरुषि का तो खेल शुरू हो गया है और उसके इस खेल में पहला मोहरा बन गई है रावी। अब देखना होगा कि क्या घर वालों के सामने आरुषि ये सच ला कर रहेगी कि वो धरा की बहन है। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।